हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई सैम्पल पेपर टर्म 2 जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस किया, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं उसमें हम सीबीएसई सैम्पल पेपर टर्म 2 को एनालिसिस करके बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर है और टर्म 1 से किस तरह से डिफरेंट है, वो किस टाइप के क्वेश्चन है, और साथ में सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस पार्ट, आफ्टर दैट सॉल्यूशन। टर्म 2 का जो सैंपल पेपर है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपके पास जो टाइम अलाउड है वो 2 आवर्स का है। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 14 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, जिसमें इंटरनल चॉइसेस भी आपके पास 2 क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच, और 1 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस अवेलेबल है। सेक्शन सी में आपके पास 4 क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के, और साथ में इंटरनल चॉइस भी 1 क्वेश्चन में अवेलेबल है। साथ में इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और किस चैप्टर में से किस टाइप के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, टोटल 4 मार्क्स इसकी वेटेज है। चैप्टर 5 एपी 2+4 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास, टोटल 6 मार्क्स के। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन होंगे 3+4 7 मार्क्स के। चैप्टर 10 सर्कल है, इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे 2+4 6 मार्क्स के। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपके पास 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। चैप्टर 14 जो है वो स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के। तो इसमें ये रफली उनकी वेटेज है, इसमें 1-2 नंबर्स का इंटरचेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर 5 और 5 का भी हो सकता है, 6 और 4 का हो सकता है। इसी तरह से कई बार 2-2 3-3 चैप्टर को कंबाइंड करके टोटल वेटेज दी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स नहीं है कि इसमें से 4 मार्क्स का ही, इसमें से 6 मार्क्स का, इसमें 7 मार्क्स का आएगा। ये थोड़ा सा हमें सिर्फ आइडिया के लिए है कि किस चैप्टर में से किस टाइप के वेटेज बनी हुई है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर AP। यहाँ पे हमें AP गिवन है और उसमें हमें A25 और A15 की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसी में हमें चॉइस भी अवेलेबल है जो कि सेम चैप्टर की है कि 7 times the 7th term ऑफ AP इज इक्वल टू 5 times the 5th term, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th term। तो हम इसमें दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एपी गिवन है 6 9 12 15। यहाँ पे ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 6 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो -9 - 6 = 3, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो A25 - A15। तो nth टर्म के फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि A25 की जो वैल्यू होगी वो A + 24D और A15 की वैल्यू A + 14D होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं A25 - A15। तो यहाँ पे देखिए A+, अभी हम वैल्यू A और D की पुट नहीं करेंगे, तो देखिए +A - A कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इसकी वैल्यू आई 10D। तो 10 और D की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3। तो हम ये कह सकते हैं A25 - A15 की जो वैल्यू होगी दैट इज 30। अब इसका और पार्ट भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम आपको दोनों ही पार्ट समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। इफ 7 times the 7th term A7 की जो वैल्यू होगी उसको 7 times इज इक्वल टू 5 times the 5th term, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th term। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 times of 7th term इज इक्वल टू 5 times of 5th term। तो हमें फाइंड आउट करनी है A12 की वैल्यू। तो इसी में हम वैल्यू देखेंगे A7 का मतलब A + 6D इक्वल्स टू 5 times A5 को हम लोग लिखेंगे A + 4D। ये हो जाएगा 7A + 42D इज इक्वल टू 5A + 20D। तो 7A - 5A प्लस 42d माइनस 20d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस 22d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे, सो a प्लस 11d इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, सो a प्लस 11d इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, दैट मीन्स 0। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 11d जो है उसे हम a12 ही लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 0। तो जो हमें फाइंड आउट करना था a12, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, हैज 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट उसके इक्वल होने चाहिए, उसके लिए हमें m की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एम एक्स 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 5m एक्स स्क्वायर माइनस 6mx इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे b का मतलब है माइनस 6m स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब यहाँ पे है 5m, और c यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है इसलिए 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया 36m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम m की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि m की वैल्यू 0, अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये सारा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के चेक करते हैं मार्किंग स्कीम, तो वहाँ पे m की वैल्यू 5 गिवन है। दैट मीन्स इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करें, तो ये इक्वेशन 5m एक्स स्क्वायर माइनस 6m एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, ये इसका करेक्टेड है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर में ही करेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे d इज इक्वल टू 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के अकॉर्डिंग, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 5m और c का मतलब 9। देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाला करते हैं तो m की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। 36m स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 180m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसमें 36m कॉमन आ गया, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 36m इज इक्वल टू 0 या m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू 0 हो सकती है या m की वैल्यू 5 हो सकती है। अब m की वैल्यू 0 तो हम नॉट वैलिड कह देंगे, क्योंकि अगर m की वैल्यू ही 0 हो गई तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो गया, x का टर्म ही खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू होगी वो 5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट p टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल c जिसका सेंटर 0 है और रेडियस r है। इफ ओ पी इज इक्वल टू 2r, ये हमें डिस्टेंस 2r गिवन है, देन फाइंड ए पी बी, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए पी बी, तो ए पी बी जो है ट्राइंगल किस टाइप का होगा। देखिए इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, गिवन और टू फाइंड हम मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा और साथ में ट्राइंगल ओ ए पी जो है वो ट्राइंगल ओ बी पी के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ये 90-90 हैं दोनों, ये कॉमन है और ये दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वल होंगी, ये भी रेडियस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एक एंगल को हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे कि ओ ए पी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी पी, ये हम लोग कर सकते हैं बाय एस 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 से। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हमने लेट किया एंगल ए पी ओ को थीटा, अगर हमने इसको एंगल थीटा लेट कर रहे थे तो अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है, तो हम ट्राइंगल देखते हैं AOP। इस AOP ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे ये थीटा डिग्री है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास होगा साइन। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू OA/OP। तो साइन थीटा का मतलब कितना है, यहाँ पे OA को हम लिख देंगे R और ये लिख देंगे 2R। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 30 डिग्री वैल्यू है तो ये नीचे भी 30 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल APB जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है और साथ में हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बताना है कि APB किस टाइप का ट्राइंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल हमने 60 डिग्री लिया, इस ट्राइंगल को अगर हम लोग इस तरह से दोबारा बनाएं तो देखिए ज़रा, ये एंगल हम लोगों ने 60 डिग्री लिया है, ये दोनों साइड इक्वल है, इन दोनों एंगल्स को हम लोगों ने XX लेट किया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग X की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 दोनों इक्वल एंगल और ये भी 60। तो इस तरह से जब एक ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें ट्राइंगल ABP जो होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कोन का रेडियस भी गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए रेडियस 56 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें गिवन है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ही पुट करेंगे πRL, इसकी जो वैल्यू है 12320, पाई मीन्स 22/7, R 56 मल्टीप्लाई L। तो यहाँ से हम लोग पहले L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम L इज इक्वल टू R² + H² में वैल्यू पुट करके H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो L इज इक्वल टू 12320 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 8। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास L की वैल्यू 70 है। फिर हमें पता है कि अगर कोई कोन है तो कोन में रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट में जो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग L² = R² + H²। सो L इज √R² + H²। R² में लिखेंगे 56²। सॉरी यहाँ पे हमें L की वैल्यू गिवन है तो L की जगह लिखेंगे 70² इज इक्वल टू 56² + H²। तो H² इज 70² माइनस 56²। यहाँ पे हम A² माइनस B² अप्लाई करेंगे तो 70 + 56 एंड 70 - 56। तो H² इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई 14। तो H की वैल्यू √126 मल्टीप्लाई 14। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 14। 14 का पेयर बना, 3 का बना, तो H इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 3, 42 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होगी वो 42 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated that modal marks of the students of the class as 45. हमें मोड गिवन है इसका 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 5 में हम लोग इस तरह से टेबल बनाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है उसकी जगह हम लोग F लिखेंगे और हमें पता है इसका जो मोड है वो 45 हमें गिवन है। तो मोड 45 जो है वो 40 to 60 इसी क्लास इंटरवल में होगा। तो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की, मॉडल क्लास इज 40 to 60 क्लास इंटरवल। तो अब यहाँ पे हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए मोड जो है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पे देखिए एल का मतलब यहाँ पे है हमारे पास जो भी मॉडल क्लास है उसमें लोअर क्लास लिमिट, यहाँ पे एफ ज़ीरो एफ वन एफ टू जो भी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की वो एफ वन होगी, उससे पहले एफ ज़ीरो उसके बाद एफ टू, और इन दोनों में जो गैप है वो 20 होगा। क्लास विड्थ जो है वो हमें एच के फॉर्म में बतानी है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 40 प्लस एफ आई या एफ ई लिख सकते हैं आप, माइनस एफ ज़ीरो मतलब 10 अपॉन टू एफ माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई एच का मतलब 20। और यहाँ पे मोड जो हमें गिवन है वो 45 गिवन है। 40 को हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू एफ माइनस 10 अपॉन टू एफ माइनस 16 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पे देखिए 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 10, अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो एफ माइनस 8 मल्टीप्लाई 20, 2 से कैंसिल आउट किया 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू एफ माइनस 10 अपॉन एफ माइनस 8, कैंसिल आउट करके हम 1 अपॉन 2 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग लिखेंगे 2f माइनस 20 इज इक्वल टू एफ माइनस 8, तो 2f माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 20, तो जो f की वैल्यू है वो 12 होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो इसके लिए होगी वो 12, और मोड में वैसे भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तो इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा ही आनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास चॉइस अवेलेबल है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर्स, अगर रितु जो है उसकी एज 5 ईयर्स कम होती, देन व्हाट शी रियली इज, जो भी उसकी एक्चुअल में एज है, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age। तो उसकी एज का जो स्क्वायर किया जाता वो 11 ज़्यादा हो जाता उसकी प्रेजेंट एज को 5 टाइम्स करने से। व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल एज लेट करेंगे, लेट एक्चुअल एज बी एक्स ईयर्स। हमने एक्चुअल एज को एक्स ईयर्स लेट किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या है, इफ रितु वर 5 यंगर बाय 5 ईयर्स, अगर उसकी एज 5 ईयर्स कम होती, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं उसकी एज अगर x है उससे 5 कम होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी एज का जो स्क्वायर है हैव बीन 11 मोर देन, 11 ज़्यादा होता 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो उसके 5 टाइम्स करने से भी 11 ज़्यादा होता स्क्वायर करके। तो हम ये इक्वेशन बनाएंगे। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसे मिडिल टर्म के थ्रू सोल्व करेंगे तो 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, x माइनस 14, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 14 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 14 एंड x इज इक्वल टू 1। तो जो x इज इक्वल टू 1 है इसे तो हम नॉट वैलिड कहेंगे। रीज़न क्या होगा कि अगर उसकी प्रेजेंट एज आज 1 ईयर है तो उसकी एज 5 साल पहले तो हम बता ही नहीं पाएंगे। सो एक्चुअल एज is 14 years। इसी का और पार्ट देखते हैं, सोल्व फॉर x, 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जब भी हम इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि मल्टीप्लाई करके तो 9p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करके हमारे पास माइनस 6p आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो उसका एक फैक्टर हम लोग p प्लस क्यू बनाएंगे, एक p माइनस क्यू बनाएंगे, और 9 लाने के लिए हम इन दोनों को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों को किस तरह से हम लोग लिखें कि वो माइनस 6px बने, माइनस 6p बने। तो यहाँ पर हमें p को माइनस में चाहिए और क्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस लिखेंगे और इसे भी माइनस लिखेंगे। देखिए माइनस 3p माइनस 3q माइनस 3p प्लस 3q, तो 3p माइनस 3p दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस 3q प्लस 3q जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करेंगे उसमें लिखेंगे माइनस 3 ब्रैकेट में p प्लस q इंटू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में p माइनस q इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कॉमन लेंगे वो p माइनस क्यू लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आया 3x माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में से p माइनस क्यू कॉमन आया, तो हमारे पास यहाँ पे p प्लस क्यू। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट देखिए 3x माइनस पी प्लस क्यू एंड 3x माइनस पी प्लस क्यू, दोनों को हम लोग लिखेंगे 3x माइनस पी प्लस क्यू कॉमन, और यहाँ पे 3x माइनस पी माइनस क्यू, और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x इक्वल्स टू 0, 3x माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू पी प्लस क्यू, तो x की वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन 3, 3x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो x की वैल्यू p माइनस क्यू अपॉन 3, ये इसमें x की वैल्यू होंगी। देखिए अब सेक्शन b में हम लोग क्वेश्चन 7, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप। यहाँ पे हमको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, और ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें CF चाहिए होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसको करने के लिए जो यहाँ पे 40 है उसे आप 40 लिखिए, 40 और 80 को आप लिखिए 120, 120 और 60 को हम ऐड करेंगे 182, 182 को 38 के साथ ऐड किया 220, 220 को 30 के साथ ऐड किया 250। अगर आप इन सभी का सम लेंगे और ये लास्ट वाला नंबर लेंगे तो सेम होगा, इन सभी का जो सम होगा वो 250 और ये इन सभी का सम ही है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है 250 और n अपॉन 2 जो है वो 250 अपॉन 2 125, तो हमें ये देखना है जो 125 है वो किस जगह होगा। तो 125 के लिए देखिए यहाँ तक तो 120 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए, तो 125 की जो वैल्यू बनेगी वो 2 to 3 क्लास इंटरवल वाले में बनेगी इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट की जो कि है 2 to 3 क्लास इंटरवल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L का मतलब 2 प्लस n/2 कितना है 125। अब यहाँ पे देखिए CF और F क्या है, जो भी इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी F, जो भी मीडियन क्लास है उससे ऊपर जो CF है वो हम CF लेंगे, और H जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो H की वैल्यू 1 होगी जो क्लास विड्थ होगी। तो 125 माइनस 120 अपॉन F यहाँ पे है 62 मल्टीप्लाई H का मतलब है 1, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 62, तो जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 प्लस 0.08। तो हम कह सकते हैं कि जो मीडियन की वैल्यू है वो 2.08 है मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो टेंजेंट है, एक रेडियस के ऊपर हम लोगों ने बनाया एक एक्सटीरियर पॉइंट से, जिससे उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसी टाइप का क्वेश्चन बेसिक में भी है। देखिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरह से हम लोगों ने बनाना है। हम लोगों ने एक सर्कल बनाना है 4 cm रेडियस का। पहले रफ में समझते हैं इसे। इस तरह से पेयर ऑफ टेंजेंट बनेंगे, ये 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। रेडियस 4 cm हमें गिवन है, लेकिन ये पॉइंट P जो है वो इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है वो हमें गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ए बी जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, ये 60 डिग्री हमें गिवन है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसकी वैल्यू जो बता सकते हैं वो 120 डिग्री बताएंगे। 60, 120, 180 हो गया और ये 90 प्लस 90 180। तो इसको किस तरह से बनाएंगे मैं आपको रफ में समझाऊंगा, आप इसे फेयर में करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग एक सर्कल बनाएंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस का, आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आपने कंपास के थ्रू 120 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 एंड 120, तो 120 डिग्री का ये एंगल बन गया। अब इसको आप नाम भी दे सकते हैं ए बी एंड ओ, तो इस ओ ए पर पॉइंट ए पे हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। और सेम हम इस ओ बी साइड पर पॉइंट बी पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, तो जहाँ पे ये आपस में मिलेंगे उसे हम पॉइंट पी कहेंगे और ये अपने आप ही 60 डिग्री का बनेगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बना के देखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम दोबारा से आपको बताएंगे। और इसी तरह का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बेसिक पेपर में भी किया था, तो आप उसके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करना है, हमें क्लास इंटरवल भी गिवन है और नंबर ऑफ बैट्समैन भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। देखिए यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेना है xi, और xi किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 0 और 40 का जो मिड पॉइंट होगा 20, 60, 100, 140, 180। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम डायरेक्ट मीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है fi उसे हम xi से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया, इसे हम लिख देंगे fi xi 240, 1200, 3500, 4200 और 80, 180 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 4140। अब इसके बाद जो हमारे पास मीन है उसका फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और यहाँ पे देखिए fi xi की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे 13280। इन सभी को हम लोगों ने ऐड किया और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा सिग्मा fi वो हमारे पास आया 120। तो यहाँ पे जो मीन की वैल्यू होगी 13280 अपॉन 120, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x बार की जो वैल्यू होगी 110.67 होगी। तो इस तरह से हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपके पास चॉइस अवेलेबल है, चैप्टर 9 से ही है दोनों क्वेश्चन। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड is 60 degree and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first is 30 degree. Find the difference between the height of two poles. दोनों पोल की हाइट में जो क्या क्या डिफरेंस है वो बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 पोल बनाए, दोनों की हाइट डिफरेंट कर दी और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अब इस पोल के हम इस टॉप को देखते हैं इस पोल के फुट से तो एंगल बनेगा, और इसके टॉप को देखते हैं सेकंड वाले के फुट से तो एंगल बनेगा। अब ये देखिए जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसके लिए ज़्यादा एंगल बनेगा, तो ये एंगल बना 60 डिग्री और ये एंगल बना 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h की, इनमें कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एंड डी 2 ट्राइंगल हैं, ए बी सी एंड बी सी डी, इन दोनों के थ्रू हम लोग स्मॉल h और कैपिटल H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो इसमें देखिए हमें ये 30 डिग्री गिवन है, उसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 20, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h अपॉन 20, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 20, या फिर h की वैल्यू 20 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमारे पास ये स्मॉल हाइट की तो आ गई वैल्यू। अब इसी तरह से हम लोग इन ट्राइंगल बी सी डी इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे 1060 डिग्री इक्वल्स टू कैपिटल एच अपॉन 20 अंडर रूट 60 जो है उसकी वैल्यू 1060 जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल एच जो है वो 20 अंडर रूट 3 होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच में 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग इसे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब यहाँ पे हम लोग 20 अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 होगा। 20 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 तो 40 अपॉन 3 अंडर रूट 3 मीटर जो होगा उनमें डिफरेंस होगा। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 40 अपॉन 3 इंटू 1.73 तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 23.606 मीटर आंसर होगा। तो 23.06 मीटर का उन दोनों की हाइट में डिफरेंस होगा। अब इसी का और पार्ट भी देखेंगे। ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए इसमें जो डायग्राम बनेगा उसमें 1.7 मीटर टॉल बॉय है, उसकी आइज से जो ये बिल्डिंग है उसका टॉप देखते हैं हम 60 डिग्री का एंगल बनता है और ये उसी बिल्डिंग से 50 मीटर डिस्टेंस पर है। तो ये तो 1.7 हो गया, हमने ए बी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। हमें इस डिस्टेंस बी सी को हम लोगों ने स्मॉल एच लेट किया है तो हमें इस पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बिल्डिंग की हाइट जो भी होगी वो स्मॉल एच में 1.7 मीटर ऐड करके होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इन ट्राइंगल ए बी सी तो इसमें 60 डिग्री है, ये भी 50 मीटर हमारे पास है। तो हम लिख सकते हैं 1060 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 50 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन 50। तो हम कह सकते हैं एच की वैल्यू 50 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम लोगों को 50 इंटू 1.73 तो इसकी वैल्यू 86.50 मीटर हो गई। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग h प्लस 1.7 मीटर, जो हमारे पास h है वो 86.5 है प्लस 1.7 तो इसकी जो 88.20 मीटर बिल्डिंग की हाइट होगी। अब जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में है, क्वेश्चन नंबर 11। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। If it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter, find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्फीयर है लेकिन उसकी थिकनेस है तो आप इसी में समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक फुटबॉल है और उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है तो जो अंदर वाली रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर है, बाहर की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर लेंगे, कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर लेंगे। लेकिन ये यहाँ पे एक रिंग की शेप में नहीं है, आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि स्फेरिकल शेप में है, ये जैसे फुटबॉल की शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसको जब हमने मेल्ट किया और इसको जब हमने एक दूसरे डिज़ाइन में बनाया जो कि एक सिलेंडर की शेप में बनाया हमने, उसका डायमीटर 14 तो यहाँ पे रेडियस लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे जो भी इसमें वॉल्यूम रहेगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसके वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे 4/3 पाई r क्यूब और उसमें से जो ये अंदर वाला स्पेस खाली है 4/3 पाई r क्यूब जो 3 क्यूब है वो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास सिर्फ वही स्फेरिकल शेल का ही वॉल्यूम आ जाएगा जो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई कॉमन हो गया, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 49 पाई इंटू एच। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/3 इंटू 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो गया 127 माइनस सॉरी 125 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 98/49 इज इक्वल टू एच। तो देखिए इसका 2 टाइम्स है तो एच की वैल्यू हो गई 8/3 या 2.67 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की जो हाइट बनेगी वो 2.67 सेंटीमीटर होगी। और देखिए साथ में हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r+h, वैल्यू पुट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल्ड आउट, 44 इंटू 21 प्लस 8/3, 44 मल्टीप्लाई 29/3, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1276/3, सो 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसी में चॉइस भी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए इसमें हमें ये प्रूव करना है कि APB एंगल और AOB एंगल दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। काफ़ी आसान है इसे प्रूव करना। इसमें हमें पता है कि PAO जो एंगल है 90 डिग्री है, OBP एंगल 90 डिग्री है। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हम लिखते हैं वी नो दैट एंगल PAO इज 90 डिग्री एंड एंगल PBO इज 90 डिग्री। आप इसमें पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि किस वजह से 90 डिग्री होगा। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO, इन सभी का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो देखिए AOB ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, PAO 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे APB, तो ये हमारे पास APB एंगल है। AOB हमें फाइंड आउट करना है एंड दिस इज 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 हो गया। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज 360 माइनस 90 माइनस 90। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB जो है वो 180 डिग्री होगा। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट भी देखिए। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ ये एंगल जो है is equal to 2 times OPQ, इस एंगल से डबल ये एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 2 टाइम्स है, सॉरी ये एंगल का डबल करने पे PTQ बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एंगल को x लेट कर लें, इससे हम लोग y लेट कर लें, तो हमें ये प्रूव करना है कि x जो है वो 2y के इक्वल है। अब यहाँ पे हम OQ को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ट्राइंगल अगर हम देखें POQ में PO इज इक्वल टू OQ, दोनों रेडियस हैं तो जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे उनके अपोजिट। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू OQP और दोनों की वैल्यू हम लोग πy मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू y है तो ये भी वैल्यू y हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे POQ में। तो ट्राइंगल POQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो POQ एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस वाई या एंगल POQ जो है वो 180 माइनस 2y होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इस एंगल की वैल्यू आ गई। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें PTQ एंगल POQ एंगल इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री हमने बताया था, तो वही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो PTQ प्लस पी ओ क्यू जो है वो 180 डिग्री होगा, तो इसे हम लिखेंगे x और ये हमारे पास है 180 माइनस 2y। देखिए ये एंगल इज इक्वल टू 180। अब 180 और 2y को शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 180 प्लस 2y कैंसिल आउट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। ये हमारे पास प्रूव हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो कि केसी स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर। जीपीएस ए रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ ए 240 मीटर टावर, यहाँ पे है 240 मीटर टावर पे, ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। एक क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स ऑफ स्लोप्स, एंगल मेजरमेंट करने के काम आता है। द गार्ड यूजेस द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। अब देखिए इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन है हमारे पास 2-2 मार्क्स के। मेक ए लेबल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जो बोट है वो उस टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पर है। सेकंड, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240 अंडर रूट 3 - 1 मीटर। 10 मिनट के ड्यूरेशन में जो उसका टोटल डिस्टेंस था वो 240 अंडर रूट 3 - 1 कम हो जाता है। He immediately raised the alarm, वो अलार्म को रेज करता है। What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? यहाँ पे हमें new angle भी बताना है कि angle of depression क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जब diagram बनाएंगे तो एक 240 मीटर लाइट हाउस, यहाँ से देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है बोट का, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और ये जो बोट है उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि इस फुट ऑफ द लाइट हाउस से कितना होगा। यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो हम इसे भी 30 डिग्री ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल एबीसी की बात करें, यह हम एज्यूम करते हैं कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें थीटा एंगल 30 डिग्री गिवन है, उसके सामने परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस है, तो इसमें जो अप्लाई होगा वो हमारे पास अप्लाई होगा टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 240 अपॉन x। तो हम यहाँ पे अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 240 अंडर रूट 3 मीटर। तो जो बोट है वो फुट ऑफ द टावर से 240 मीटर डिस्टेंस पर है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। देखिए अब जो बोट थी पहले वो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पर थी, 30 डिग्री। आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे जो नया एंगल है वो थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है, तो इसे भी हम लोग थीटा मान लेंगे। ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 240 अंडर रूट 3 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ये 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में 240 अंडर रूट 3 - 1 कम हो गया। तो ये डिस्टेंस जो बना उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो टोटल डिस्टेंस में से 240 अंडर रूट 3 में से हमने 240 अंडर रूट 3 - 1 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा। ये हमें 240 मीटर गिवन ही है, तो 240 अंडर रूट 3 माइनस 240 अंडर रूट 3 प्लस 240, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब जो ये डिस्टेंस बना वो 240 मीटर बना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फिर ट्राइंगल एबीसी में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप याद भी रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों साइड सेम है जिस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये 45 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा, ये एंगल थीटा है, इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 240 अपॉन 240 कैंसिल आउट होके 1, तो tan थीटा जो है वन को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई 45, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो 45 डिग्री होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, while the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles help in toning up the whole body। अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, Nitish wants to participate in the push-up challenge, he can currently make 3000 push-ups in 1 hour। तो वो 1 hour में 3000 push-ups कर सकता है, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour for which he practice regularly। अब उसका टारगेट है कि वो 3900 पुशअप्स 1 आवर में करे, जिसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में उसने जितने पुशअप किए हैं उसे 5 इंक्रीज वो नेक्स्ट डे करता है। इस तरह से वो अपने पुशअप्स को पर आवर इंक्रीज कर रहा है। If on first day of practice he makes 3000 push-ups and continue to practice regularly till his target is achieved। जब तक उसका टारगेट 3900 अचीव नहीं हो जाता तब तक वो इसी तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। अब देखिए ये एपी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3000 से स्टार्ट होके डेली 5 इंक्रीज होगा और 3900 तक कंप्लीट होगा। Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। जब उसका टारगेट अचीव होगा उससे पहले तक उसको कितने नंबर ऑफ डेज चाहिए। सेकेंड पार्ट में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितीश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। देखिए इसमें जो एपी बनेगी 3000, 3005, 3010 इस तरह से कंटिन्यू होके लास्ट टर्म जो बनेगा वो 3900 होगा। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 3000, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है और यहाँ पे देखिए जो लास्ट टर्म AN है 3900। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 3900 इक्वल्स टू 3000 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 5, तो 3900 माइनस 3000 इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1। 900 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, कैंसिल आउट किया 180, तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 181। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 181 है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, जरा दोबारा क्वेश्चन देखेंगे। Find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। उसका जो गोल है वो पूरा होने से पहले उसको कितने डेज की प्रैक्टिस चाहिए। तो देखिए उसका जो गोल है 3900 वो कंप्लीट हो जाएगा 181 डेज में, तो इसका मतलब he needs minimum 180 days of practice। क्योंकि देखिए 181 डेज में तो उसको 3900 टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन उसको 180 डेज की उसको प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी अपने टारगेट से पहुंचने से पहले। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितीश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। हमें ये बताना है कि जब तक उसका गोल अचीव हो गया तब तक उसके टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बेसिकली फाइंड आउट करना होगा SN, लेकिन इसमें जो हम n की वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे 181, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उसके अचीव होने तक। देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस AN, क्योंकि हमें nth टर्म गिवन है। तो यहाँ पे S 181, n की वैल्यू 181 है, क्योंकि जब तक उसका टारगेट अचीव होगा उस दिन तक हमें फाइंड आउट करना है, उसे एक दिन पहले नहीं है। A की वैल्यू 3000 और AN की वैल्यू 3900, तो 180 अपॉन 2 और इसे लिख देंगे 6900, 2 से कैंसिल आउट किया तो 3450। तो हमारे पास 180 टर्म्स का जो सम बनेगा वो 6,24,450 इन 181 डेज में उसको इतने पुशअप लगाने होंगे, इतने पुशअप वो कंप्लीट कर लेगा अपने टारगेट तक। तो ये थे सारे क्वेश्चंस 10th मैथमेटिक्स बेस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।